हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का नया पैटर्न, जो नया नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में निकलने के लिए, और क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, ये भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2017 के बारे में। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और एंड तक देखें, इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। यदि आप एसएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, एसएससी एमटीएस श्योर शॉट कंप्लीट एग्ज़ाम कोर्स। ये इस बुक का नाम है और इसको आप अमेजन से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप 330 रुपये में ले सकते हैं। इसमें एक तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। सारे इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर लें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके इसको आप ले सकते हैं। इसको आप ज़रूर लें और इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, नया नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी ने, और जैसा कि आपको पता होगा कि अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुए थे, अप्रैल से लेकर जून तक जो 5 एग्ज़ाम हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। जैसे 30 अप्रैल को हुआ था और 14 मई को हुआ था, 28 मई को हुआ था, 4 जून को हुआ था और 11 जून को। तो ये 5 डेट को जो एग्ज़ाम हुए थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, और इसकी जो नई डेट है वो 16 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम होंगे। इसका टीयर 1 जो होगा, और टीयर 2 का नोटिफिकेशन इसके बाद आएगा। उसके बाद आप टीयर 2 की आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे और लेटर आपको करना होगा। तो जो पुराना पैटर्न था उसमें 50-50 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के, लेकिन आप ये क्वेश्चन 25-25 कर दिए हैं चारों सब्जेक्ट के। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25, जनरल इंग्लिश के 25 और जनरल अवेयरनेस के भी 25। और इसमें टाइम है आपके लिए 90 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 90 मिनट में। तो लगभग 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट से थोड़ा सा कम आपको टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को करने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, और इंग्लिश के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आराम से आप कंफर्टेबली ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंग्लिश का डेफिनेटली प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, जनरल अवेयरनेस का भी प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है। और अब आप इसमें थोड़ा सा ये सरल कर दिया गया है, क्योंकि इसमें टाइम बढ़ा दिया गया है, 90 मिनट कर दिया गया है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम आपको उसके लिए मिलेगा। और जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं और सेरिब्रल पाल्सी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा, जो कि काफ़ी सफिशियंट है। तो अब देखा जाए तो एक तरीके से आपको काफ़ी टाइम मिल गया है, और जो स्टूडेंट इन प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बैठे थे, मतलब अप्रैल में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनकी तो काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी होगी, और आप मान सकते हैं कि आपको ये एक्स्ट्रा टाइम इसमें मिल गया है, और अच्छी तैयारी इसमें आप कर सकते हैं यदि अभी से आप इसकी तैयारी करें, अभी से आप मॉक टेस्ट लगाएं और अभी से आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देख लें, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इसकी, कि आप मॉक टेस्ट करें, और वो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट करें। क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप जब आप करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई सी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लें। यदि आप हमारी लेना चाहते हैं तो हमारी आप ले सकते हैं, इंग्लिश एडवांटेज की। यहाँ से आप ले सकते हैं इस वेबसाइट से, test.englishadvantage.in। इस वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर लॉग इन करें, और 399 में 1 साल के लिए इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट हैं इसमें। इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें मिलेंगे। करीब वैसे 95 थे, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, इसमें 100 से ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और इसमें टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस भी निकल के आती है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बना, कितना आपका गलत हुए, कितने सही हुए। तो एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है ये, इसको आप लें, और सारा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। प्राइस भी इसका बहुत कम है, तो इसको आप तुरंत लें और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका। और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉल करें, मैं तुरंत आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा।
यदि एसएससी के अलावा आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारा ये कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं। इसमें 200 से ऊपर टेस्ट हैं, अपडेट हो गया है ये, और सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं इसमें। इसको भी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या होगी एसएससी एमटीएस में यदि आप निकलना चाहते हैं तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि इन 8 गाइडलाइंस को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आराम से आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में निकल सकते हैं, टीयर 1 में और डिस्क्रिप्टिव में। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 पर डे, मतलब कम से कम एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा 2 पर डे आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, यानी 90-90 मिनट के 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको डेली देने हैं। मतलब 3 घंटे का टाइम आपको इसमें लगाना है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे वो आपको डेली 2 देना है अभी से। तो ये एक बेहतरीन स्टडी होगी, मतलब 3 घंटे आपको इसमें देना है और 2 या 3 घंटे आप एक्स्ट्रा आप बुक से आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, पर्टिकुलरली एमटीएस के और सीएचएसएल के, कुछ क्वेश्चन सीजीएल के भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको जरूर जरूर करना है। एमटीएस का जो लेवल है वो सीएचएसएल के बराबर या थोड़ा सा कम है, तो सीएचएसएल के आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सीएचएसएल का मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, test.englishadvantage.in, यहाँ से आप सीएचएसएल की पूरी टेस्ट सीरीज़ 399 रुपये में ले सकते हैं और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सीजीएल के कुछ क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं और कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है, तो हो सकता है एग्जामिनर सीजीएल के कुछ क्वेश्चन भी इसमें आपको दे, तो सीजीएल के क्वेश्चन भी आप ज़रूर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आप अभी अभी से करें। डू नॉट इग्नोर डिस्क्रिप्टिव, राइट at least 2 letter and 2 small essay इन ए वीक, मतलब एक वीक में कम से कम 2 लेटर और 2 essay लिखने की आप प्रैक्टिस करें। इनसे संबंधित वीडियोस मैं कुछ अपने ऑनलाइन चैनल पर डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। कुछ और वीडियोस मैं SSC MTS के लिए डालूंगा, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताऊंगा, ऐसे के एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकते हैं और लेटर के एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकते हैं। सिंपल ऐसे या सिंपल लेटर इसमें आएगा, 50 नंबर का ये पेपर होगा आपका, जिसको 30 मिनट में आपको करना है। तो इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको इस चैनल के थ्रू वीडियोज़ अपलोड करके मैं कराऊंगा, लेकिन आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस अभी से करें। अखबार पढ़ें डेली, आप अखबार पढ़ें, जिससे आपको पॉइंट बनाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा सा ज़रूरी है, तो इसको आप डेली करें। फोर्थ गाइडलाइन क्या है कि स्टिक टू द टाइम लिमिट एंड अप्लाई माइनस मार्किंग। जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करें तो उसमें टाइम लिमिट के अंदर ही उन क्वेश्चंस को करें। एक क्वेश्चन को आप 54 सेकेंड्स में करें और उसमें अगर यदि आपका क्वेश्चन गलत निकलता है तो उसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी आप ज़रूर करें। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसीलिए जो एसएससी के एग्ज़ाम है उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, बैंकिंग एग्ज़ाम का कट ऑफ कम जाता है। तो मिनिमम कट ऑफ जो जनरल के लिए, हालांकि मैं अभी कट ऑफ बताऊंगा आपको सारी कैटेगरीज़ के लिए, मिनिमम 75 से 80 आप मान के चलिए कट ऑफ टीयर 1 का। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा टीयर 2, उसमें तो आपको क्वालिफाई करना है केवल। देखिए आप चूंकि टाइम बढ़ गया है इसलिए एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। एक्यूरेसी का आप ध्यान रखें, एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। स्पीड भी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। रेगुलर न्यूज़पेपर पूरा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका एडिटोरियल पार्ट और पूरा फ्रंट का पार्ट ये पढ़ना ज़रूरी है। कुछ हिंदी के अच्छे न्यूज़पेपर आते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर आता है और पत्रिका आता है, दूसरे जो पेपर है हिंदुस्तान आता है, इन पेपर्स को आप पढ़ सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी पॉइंट्स बनाने में मदद मिलेगी। और हमारा जो चैनल है इंग्लिश एडवांटेज चैनल, इसके इस पर हम मॉक टेस्ट इस समय अपलोड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 अपलोड हो चुका है और कुछ सीजीएल के लिए भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। इस चैनल के सारे वीडियोज़ आप देखें, यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के सारे वीडियो देखें, और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के आप सारे वीडियो देखें, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा एसएससी एमटीएस का, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका जनरल के लिए 70 to 75 होगा, मिनिमम आप 75 और 80 टारगेट करके चलिए मिनिमम। ओबीसी के लिए 68 to 70 तक जाएगा, एससी के लिए
हालांकि अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग होता है, लेकिन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको 60 से 65 तक जाएगा, और एसटी के लिए 55 से लेके 62 के बीच में ये जाएगा। तो मिनिमम आप इतना टारगेट बना के चलिए, कुछ स्टेट्स में कम जाता है कट ऑफ, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करें फेसबुक पर, और ये मेरा नंबर दिया है, इसके कोई भी क्वेरी हो आपकी तो इस नंबर पर कॉल करके मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।